हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हम बात करते हैं दोस्तों, जो अपने लास्ट क्लास में जो आपकी क्या देखी थी, जियोमेट्री आइसोमेट्रिक देखी थी, ज्यामिति समायता देखी थी। तो आज बात करेंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनके गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, यानी जो जियोमेट्री आइसोमेट्रिक होती है वो किस प्रकार प्रभावित करती है, उनके जो गुणधर्म होते हैं उनको किस प्रकार इफेक्ट डालती है, उनकी जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले तो ज्योमेट्री जो प्रॉपर्टीज हो गए, ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्री जो आइसोमेरिज्म है, जो समायता होती है उनमें क्या होते हैं, अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके जो साइज होती है, जो थ्री डी स्ट्रक्चर वो क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। इसलिए उनके जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कौन से, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, यानी फिजिकल एंड केमिकल, ये तो प्रॉपर्टीज होती है दोनों की। क्या होती है दोस्तों, जितने भी जो आपके आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी कंपाउंड है, उन सभी की क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आज उन्हीं के बारे में, जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उन्हीं का क्या करेंगे दोस्तों, स्टडी करेंगे कि कौन से की क्या क्या होती है। तो सबसे पहला था अपना डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आवरण बोला जाता है, यानी जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको जो ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म इनके प्रॉपर्टीज पर क्या अपना डाइपोल मोमेंट। तो जो द्विध्रुव आवरण क्या होते हैं, अगर क्या है कोई सिस कंपाउंड है तो उसमें क्या करते हैं, दोनों एक साइड में कंपाउंड जुड़े हुए रहते हैं, तो उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। लेकिन एक क्या है, ट्रांस एलिमेंट होता है, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट रहता है दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट क्या करते हैं, खींचते रहते हैं। जैसे हमारे पास इसका एग्जाम्पल ये देखा जाए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, डाइपोल मोमेंट होता है उसको म्यू के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, रिप्रेजेंट किया जाता है। एक हमारे पास में दूसरा ही कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये तो क्या अपनी सिस फॉर्म, क्या दोस्तों, सिस, ये क्या अपना ट्रांस फॉर्म। तो इसमें तो दोनों क्या, क्लोरीन एक साइड में जुड़े हैं, तो इनका तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.5 डिवाइड के समथिंग, जबकि इसमें क्लोरीन इधर जुड़ा हुआ है, दूसरा क्लोरीन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा इधर है, यानी एक इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहे हैं। तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है दोस्तों, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3, हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन, ये तो क्या अपनी सिस फॉर्म, इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0.40 के समथिंग होता है, यानी 0.40 डिवाइड होता है। और जो आपका ट्रांस एलिमेंट होता है CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये क्या अपने ट्रांस फॉर्म, इसका जो म्यू होता है वो क्या अपना होता है दोस्तों, जीरो होता है। ये तो किसके लिए अपना, अगर क्या हो, दोनों क्या हो कंपाउंड सेम जुड़े हैं, दो सेम हो और दो क्या हो, सेम हो, और अगर दोनों क्या हो अलग अलग कोई अगर कंपाउंड हो, क्या हो, दोनों अलग अलग कंपाउंड हो, तो उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, अपना जो ट्रांसफॉर्म होता है उनका ज्यादा होता है, किसकी कंपेयर में, सिस की कंपेयर में। जैसे हमारे पास में थर्ड एग्जाम्पल ये देख रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 Cl हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 Cl हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये तो क्या इसकी दोस्तों, सिस फॉर्म, ये क्या इसकी ट्रांस फॉर्म। तो इधर तो ट्रांस का क्या हो रहा था दोस्तों, डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा था, जबकि सिस का कुछ ना कुछ हमारे को प्राप्त हो रहा था। लेकिन जो अगर क्या हो, दोनों क्या हो अलग अलग है, अगर कंपाउंड जो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या जुड़ा है CH3 और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दोनों इधर क्या था, दोनों सेम ही थे लेकिन इनमें दोनों में क्या अलग अलग है, तो इनमें जो आपका ट्रांस होता है उनका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, 1.79 डिवाइड के समथिंग होता है। और जबकि सिस का कितना होता है, इसमें म्यू इज इक्वल टू पॉइंट
1.7 डिवाइड के समथिंग होता है। कितना होता है दोस्तों? 1.71 डिवाइड के समथिंग। तो कहने का मीनिंग है क्या है कि अगर सेम जुड़े हो तो सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस का जीरो होता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जुड़े हो तो क्या होता है, अपना जो ट्रांस होता है उनका ज्यादा होता है और सिस का क्या होता है दोस्तों, कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों अपनी, वो कौन सी है और उनको जो अपनी ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म होती है वो किस प्रकार प्रभावित करती है। तो सेकेंड अपना गलनांक और क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक। तो इनमें क्या होता है, जो जनरली अपना जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो सिस फॉर्म के क्या होते हैं दोस्तों, कम होते हैं। किसकी कंपेयर में? ट्रांस की कंपेयर में। अगर हमारे पास में कोई एक एग्जांपल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CWH CWH हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेकेंड ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका क्या नाम था दोस्तों, अपना मेलिक एसिड नाम था, और इसका क्या नाम था, फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम था दोस्तों अपना? फ्यूमेरिक एसिड। अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, किसकी मेल्टिंग पॉइंट के लिए, तो इसका तो हमारा वो प्राप्त होता है 130 के समथिंग, 130 डिग्री सेल्सियस हमारे को इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त होता है। किसका? सिस फोरम का। जबकि ये क्या है, इसकी ट्रांसफोरम है। ट्रांसफोरम में क्या बोल रहा हूँ कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है किसी कंपेयर में, सिस की कंपेयर में। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे को प्राप्त होता है 287 डिग्री सेल्सियस के दोस्तों समथिंग प्राप्त होता है। यानी गलनांक और अगर क्वथनांक की बात करें तो वो भी क्या होते हैं, सिस का क्या होता है, कम होता है, ट्रांस का क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। सेकेंड अगर बात करें कि अगर यहां पर क्या जुड़े थे, सेम कंपाउंड जुड़े हुए थे, और अगर दोनों क्या हो दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट जुड़े हो, यहां पर क्या है, CH3 है, CWH है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, और यहां पर क्या जुड़ा है, ये क्या है इसकी ट्रांसफॉर्म है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर सेम जुड़े हैं तो किसका ज्यादा होता है, ट्रांस का होता है किसकी कंपेयर में, सिस की कंपेयर में। और अगर दोनों क्या हो दोस्तों, अगर डिफरेंट डिफरेंट जुड़े हुए हो, क्या हो दोनों डिफरेंट डिफरेंट जुड़े हुए हैं, तो अपना जो सिस फोरम होता है उनकी क्या होता है, ज्यादा होता है, इनका 150 डिग्री सेल्सियस के समथिंग हमारे को प्राप्त होता है, और इसका हमारे को क्या होता है, 73 डिग्री सेल्सियस के समथिंग हमारे को इसका मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त होता है। यानी गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ट्रांस के अधिक होंगे, सिस के कम होते हैं, अगर क्या हो दोनों सेम कंपाउंड जुड़े हुए हो, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो तो सिस का क्या होता है, अधिक होता है, और क्या होता है, ट्रांस का कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो कौन से हैं। तो थर्ड है अपना जो रासायनिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो भी क्या होते हैं, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी सभी जो आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड की क्या होती है, सभी की अलग अलग होती है। अगर किसी में क्या हो, अगर हमारे पास में ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CWH CWH हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अगर सिस कंपाउंड हो तो क्या करते हैं, आपस में तुरंत ही रिएक्शन कर लेते हैं, क्या करते हैं, तुरंत रिएक्शन करते हैं और क्या कर लेते हैं, साइक्लाइज जो साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनका फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी चक्रीय जो कंपाउंड होते हैं उनका फॉर्मेशन कर लेते हैं, उनको क्या बोला जाता है, चक्रीकरण बोला जाता है। ये अपना किसका दोस्तों, मेलिक एसिड है अपना, मेलिक एसिड। तो ये आपस में क्या करते हैं दोस्तों, रिएक्शन कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं अपना, किसका कर लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
इस प्रकार से यहां से क्या हो जाता है कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और किसका फॉर्मेशन होता है मैलिक एनहाइड्राइड का, मैलिक एनहाइड्राइड का क्या हो जाता है दोस्तों फॉर्मेशन हो जाता है, यानी शीर्ष फॉर्म में तो क्या हो जाते हैं साइक्लाइजेशन या चक्रीय कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि ट्रांस में क्या होते हैं दोनों विपरीत होते हैं इसलिए उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। यानी मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया मैलिक एनहाइड्राइड में, साथ में यहां पर क्या हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो शीर्ष फॉर्म होते हैं उसमें साइक्लाइजेशन पाया जाता है, चक्रीकरण पाया जाता है, जबकि ट्रांस में नहीं पाया जाता। और फोर नंबर हमारी जो प्रॉपर्टीज है वह है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या दोस्तों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है। तो एक तो अपना जो क्या है कोई शीर्ष कंपाउंड है एक अपना क्या है ट्रांस कंपाउंड हमारे पास में इस प्रकार से, यहां पर क्या है डबल बॉन्ड ओ एच, ये तो क्या अपना सिस यानी मैलिक एसिड है अपना सिस फोरम, और ये क्या दोस्तों अपनी ट्रांस फोरम। तो इसमें जो सिस फोरम होती है वो तो आपस में क्या करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी खुद जो एक कंपाउंड आपस में क्या कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इनको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बोला जाता है दोस्तों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि इसमें क्या कहते हैं एक कंपाउंड होता है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, इस प्रकार से ये क्या करता है कोई दूसरा जो कंपाउंड होता है उनके साथ में क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी इसमें तो क्या हो गया खुद के जो कंपाउंड उसी में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें क्या होता है दो कंपाउंड के मध्य क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होते हैं वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ वीक वैन डर वाल फोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जबकि इसमें क्या रहते हैं स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि जो आपस में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का वो क्या होता है वीक बॉन्ड होता है, क्या होता है दोस्तों वीक होता है यानी कमजोर होता है, जबकि जो आपके ट्रांस में बनता है वो क्या होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का क्या होता है उसमें फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या हो रही है वीक बॉन्ड, ट्रांस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये था अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके मध्य होती है अधिक विद्युत ऋणी परमाणु तथा हाइड्रोजन के मध्य क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणी परमाणु उसके मध्य क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्री आइसोमेरिज्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको चारों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, डाइपोल मोमेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, कि सिस के क्या होते हैं ट्रांस के क्या होते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।